हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का विषय हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व बुक से पार्ट 15 तार से पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को हम लोग आगे बुक की सहायता से पढ़ेंगे। पाठ 15 तानसेन। घनी झाड़ियों में सिंह की दहाड़ सुनकर स्वामी हरिदास की शिष्य मंडली भयभीत हो उठी। लोग सावधान हो ही रहे थे कि झाड़ियों के बीच से 10 वर्ष का एक बालक हंसता हुआ बाहर निकला। स्वामी जी ने समझ लिया कि यही बालक सिंह की दहाड़ की नकल कर रहा था। स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे, वे जान गए कि इस बालक में अद्भुत क्षमता विद्यमान है। उन्होंने उसे बुलाकर स्नेह से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, तन्ना मिश्रा। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मकरंद मिश्र। तुम कहाँ रहते हो? वहाँ बालक ने अपने गांव की ओर इशारा किया। स्वामी हरिदास तन्ना के घर गए। उन्होंने तन्ना को शिक्षा देने के लिए उसके पिता से मांग लिया। उसे लेकर स्वामी जी वृंदावन चले गए। उन्होंने उसे 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दी। संगीत के विभिन्न राग रागिनियों में पारंगत होने के बाद तन्ना मिश्र बाद में तानसेन नाम से विख्यात हुए। संगीत का और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें स्वामी जी ने हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर भेज दिया। संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वह इनके संगीत को सुनकर भाव विभोर हो उठा। उसने रीवा नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इनके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागिनियाँ साक्षात प्रकट हो जाती थी। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हट किया। निश्चित समय पर उन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू किया। जो जो आलाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। गाने का अंत होते होते दरबार में रखे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। दरबारियों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर भागने लगे। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघमल्हार राग गाकर अग्नि का शमन किया और लोगों की प्राण रक्षा की। तानसेन के जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, जैसे संगीत के प्रभाव से पानी बरसाना, वन्य पशुओं को सम्मोहित करना तथा असाध्य रोगों को ठीक करना आदि। तानसेन की सफलता का मूल आधार है उनकी कार्य के प्रति निष्ठा तथा निरंतर कठिन अभ्यास की आदत। इन्हीं गुणों के कारण वे महान संगीतज्ञ बनने में सफल हुए। अकबर के आदेश से एक बार आगरा के समीप वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तानसेन का सामना करने के लिए साधु वेश में एक व्यक्ति आया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। तानसेन की स्वर लहरी से मुग्ध मृगों का समूह उनके पास आया। उन्होंने एक मृग के गले में अपनी माला डाल दी। संगीत समाप्त होने पर मृग जंगल में भाग गए। अब उस साधु वेशधारी गायक की बारी थी। उसने मृग रंजनी राग गाकर उस मृग को बुला लिया जिसके गले में तानसेन की माला पड़ी थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट माने जाते हैं। दरबारी तोड़ी मियाँ की, मल्हार मियाँ की, सारंग आदि अनेक राग रागिनियों की रचना तानसेन ने की थी। 1589 में इस महान गायक का स्वर्गवास हो गया। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है। इस समाधि पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है जिसमें संगीतज्ञ आकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। इससे हमें संदेश मिलता है कि कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति निश्चय ही उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। बच्चों, हम लोग इस पाठ में तानसेन के जीवन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वे एक कुशल और बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। इस पाठ को सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद इस पाठ का प्रश्न उत्तर हल करेंगे और प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।